नमस्कार दोस्तों, यादों के सफर में इस सीरीज में कलाकारों के यादों का झरोका आज भी अहम विषय बना है। यादें जो कभी भुलाई नहीं जाएगी, वो किरदार और कलाकार जिनके बिना फिल्म जगत अधूरा है। ऐसे बेमिसाल यादों को ताजा करते हुए हम लाए हैं कहानी ऐसी अभिनेत्री की जिनकी फिल्मों का जिक्र आज भी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, साल 1973 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम चलाक था। इसमें अभिनेता किरण कुमार ने बतौर लीड एक्टर अपना अभिनय सफर शुरू किया था, पर किरण कुमार के अलावा इसमें दो अभिनेत्रियां भी थी, अलका और राधा। आज हम राधा उर्फ राधा सलूजा को याद करेंगे। हालांकि चलाक उस जमाने की फ्लॉप फिल्म थी। चलाक फिल्म का ये गीत बहुत मशहूर है, दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। इस गीत में किरण कुमार के साथ जो अभिनेत्री दिख रही है उसी का नाम राधा है। खैर, हमारे तमाम दर्शकों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि राधा सलूजा ने कौन सी फिल्मों में काम किया था, क्योंकि भले ही आज के नवयुवक के लिए राधा सलूजा का नाम अनसुना रहेगा, वैसे तो राधा सलूजा का फिल्मी जीवन जितना छोटा है उतनी ही उनकी कहानी छोटी है, क्योंकि फिल्म जगत को छोड़े हुए उन्हें बहुत साल बीत चुके हैं। रीता सलूजा उर्फ राधा का जन्म 11 मई 1954 को पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका परिवार फिल्म जगत से जुड़ा हुआ था। उनके परिवार के सदस्य H.L. सलूजा 50 के जमाने के फिल्मकार हुआ करते थे। राधा की बड़ी बहन रेनू सलूजा जानी मानी फिल्म एडिटर थी तथा कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया था। मशहूर फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा के साथ रेनू का रिश्ता रहा था, पर उनसे तलाक लेने के बाद फिल्मकार सुधीर मिश्रा के साथ रेनू ने दूसरी शादी की थी। आपको बता दूं कि राधा उम्र के लिहाजा से रेनू से छोटी थी, पर सबसे पहले राधा ने ही फिल्म जगत में पदार्पण किया था। अपने शुरुआती दिनों में राधा सलूजा इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, पर साल 1971 में दो राह फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ राधा भी थी। इसी फिल्म के बाद उनका नाम मशहूर होने लगा, पर इसके पहले राधा सलूजा ने अपना असली नाम का उपयोग करके दो फिल्में की थी, 1967 की मोहब्बत और जंग, उसके बाद 1969 की राखी राखी। इन दोनों फिल्मों में उनका किरदार इतना बड़ा भी नहीं था, पर राधा की खूबसूरती और अभिनय के प्रति प्यार को देखते हुए दर्शकों के बीच वो छाने लगी। बस हिंदी ही नहीं बल्कि पंजाबी, तमिल, तेलुगु फिल्मों में भी राधा ने अपने अभिनय का जलवा पेश किया था। आज की ताजा खबर मन जीते जग जीते, दुख भजन तेरा नाम, हार जीत, एक मुट्ठी आसमान, मोरनी, सजाए मौत, इन हिट फिल्मों में राधा सलूजा ने अच्छा अभिनय किया था। एमजी रामचरण, एनटीआर और रजनीकांत जैसे साउथ इंडियन हीरो के साथ भी उन्होंने स्क्रीन शेयर किया था। पर 90s का जमाना लगने के बाद राधा ने सिनेमा जगत से संन्यास लेने का फैसला किया। उनके इस फैसले की वजह कोई नहीं जानता, पर हो सकता है कि उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना बंद हो गए होंगे, इसीलिए अमेरिका शिफ्ट होने का फैसला लिया होगा। अमेरिका में घर बसाने के बाद राधा ने एक रेडियो होस्ट समीम जैदी से शादी कर ली। इसके बाद अभिनय से पूरी तरह से संन्यास लेने के बाद वो लॉस एंजलिस कोर्ट में जॉब करने लगी। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में राधा सलूजा बताती हैं कि जब मैं कोर्ट में सलवार कमीज पहन के आती हूँ तो सबकी निगाहें मुझ पर चढ़ जाती हैं, पर जब कोई इंडियन मुझे देखता है तो एक मुस्कान उनके चेहरे पर झलकने लगती है। तो मैं थी आपकी अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।